देश में नागरिकता कानून को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। विपक्ष दल इस कानून को लेकर मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है, खासकर कांग्रेस पार्टी। इसी बीच यूपी के लखनऊ में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल लखनऊ में प्रियंका अपने 4 दिन के दौरे पर गई थी। दौरे के आखिरी दिन यानी कल प्रियंका ने सीएम योगी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवा धारण किया है, यह भगवा उनका नहीं है। भगवा हिंदुस्तान की आध्यात्मिक संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रतीक है। कृष्ण, राम और शिव के देश में हिंसा और बदले की जगह नहीं है। महाभारत में भी कृष्ण ने रण क्षेत्र में बदला लेने की बात नहीं की। बदले की भावना इस देश की परंपरा नहीं रही। यह देश प्रेम, करुणा और हिंसा की बात करता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि यह बात मुख्यमंत्री को समझनी चाहिए। प्रियंका गांधी के इसी बयान पर योगी ने भी लगातार ट्वीट कर पलटवार किया है। सीएम ऑफिस की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया है कि सन्यासी की लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। विरासत में राजनीति पाने वाले और देश को भुलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोक सेवा का अर्थ क्या समझेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे ट्वीट में लिखा गया है कि सब कुछ त्याग कर सीएम योगी ने भगवा लोक सेवा के लिए धारण किया है। वह न केवल भगवा धारण करते हैं बल्कि उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भगवा वेशभूषा लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए है और योगी जी उस पथ के पथिक हैं। बता दें कि देश में नागरिकता कानून लागू होने के बाद विरोध और बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि नागरिकता कानून के साथ साथ NRC और NPR का भी विरोध किया जा रहा है, जिससे कई शहरों में माहौल गंभीर है। जगह जगह लोग इसके विरोध में हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीम खबर अपडेट।